हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने आज से 10 साल पहले 50 लाख रुपए खर्च किए और अभी तक सिर दर्द झेल रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आज से 10 साल पहले आप लोगों ने किसान विकास पत्र खरीदा होता तो आपको 25 करोड़ रुपये मिल रहे होते। अगर 50 लाख रुपये की FD की होती तो पैसे डबल हो गए होते, और अगर 50 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में डाले होते तो शायद 2 करोड़ रुपये मिल रहे होते। लेकिन आज से 10 साल पहले कुछ लोगों ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अभी तक पैसे डूबने का डर सता रहा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो उन्हीं से सुनिए। हमने घर सेंचुरियन पार्क में 2013-14 के अराउंड लिया था। ऑलमोस्ट इस चीज़ को 8-10 ईयर हो चुके हैं। एंड जब लिया था तब ये सोचा था कि हमारी जो डॉटर हुई है उसके लिए हम एक रूम डेकोरेट करेंगे, बट अब तो बच्ची भी 7 ईयर्स की हो चुकी है। भी हर साल यही सुनते थे कि इस साल नहीं, अगले साल कुछ उम्मीद है मिल जाएगा। एक टाइम तो ऐसा आया जब हमने होप ही छोड़ दी थी कि हमें घर मिलेगा भी। जिस घर की, जिस सोसाइटी की बात अनामिका जी कर रही हैं, उसी सोसाइटी के एक और होम बायर्स का दर्द आपको दिखाती हूँ। मैंने जो इन्वेस्ट किया था दैट वॉज इन 2012, उसके 8 साल बाद अभी उसका होम लोन भी कंप्लीट हो गया है। इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के बाद 5 साल वेट करने के बाद एक और जगह मैंने लिया था, दैट वाज ए बिल्डर फ्लैट। वो फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया, फिर मुझे गौर सिटी में फ्लैट लेना पड़ा। दिस इज़ हाउ पीपल आर सेक्रीफाइसिंग एंड सफरिंग ओवर हेयर। सो यहाँ पे जो अमरपाली के इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा For paying the rent along with the bank installments। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज पर बात करने वाली हूँ। अभी मैंने आपको जिनका बयान सुनाया, जिनका दर्द दिखाया, उनका चेहरा मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि वो खुद एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा सामने आए, लेकिन जिस तरह वो ठगे गए उसी तरह की ठगी के शिकार देश में कई लोग हैं, और आज के वीडियो में हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन दिल्ली NCR का एक उभरता हुआ शहर है। या तो आपका या आपके किसी परिचित और रिश्तेदार का घर नोएडा एक्सटेंशन में जरूर होगा, लेकिन इसी नोएडा एक्सटेंशन में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पैसे घर के चक्कर में फंसे हुए हैं। अभी मैंने आपको जिन दो लोगों की बात सुनाई, उन दोनों ने ही नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली बिल्डर के सेंचुरियन पार्क में घर लिया था। सेंचुरियन पार्क में लो राइज और हाई राइज दोनों ही टाइप के घर थे, लेकिन इससे पहले कि प्रोजेक्ट पूरा होता बिल्डर दिवालिया हो गया और हजारों होम बायर्स के पैसे फंस गए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करवाया। बट थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट NBCC को मिला, और अब 2 साल से एक उम्मीद बंधी हुई है कि हमें वापस से, मतलब हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हमें घर मिलेगा। किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप उसके रिटर्न के लिए मतलब मन में बहुत कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं कि हम ऐसे डेकोरेट करेंगे, ये करेंगे, तो एक होप था। खैर, अब फिर से वो पूरा हो रहा है एंड हम लोग खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी, तब जाकर यह काम दोबारा शुरू हुआ। हालांकि घर खरीदने वालों ने जितने में फ्लैट बुक कराया था उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की तो खुशी है कि कम से कम पैसे डूबे तो नहीं। ये अकेले नहीं है जो आम्रपाली के हाथों ठगे गए। इन्होंने तो फिर भी आम्रपाली बिल्डर से सेंचुरियन पार्क प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग में घर बुक कराया था, इसलिए कीमत कम थी यानी 35 लाख रुपीस। लेकिन अब मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने लो राइज बिल्डिंग में घर बुक कराया था। जब उन्होंने घर बुक कराया था तब उस घर का 90% काम पूरा हो चुका था, इसीलिए उन्हें घर के पूरे पैसे यानी 50 लाख रुपये देने पड़े, लेकिन घर कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। मैं आपको उनकी बात सुनाऊंगी, लेकिन पहले आपको वो लो राइज अपार्टमेंट दिखा देती हूँ जो उन्होंने बुक कराया था। फ्लैट तो अच्छे हैं, शायद इसीलिए 50 लाख रुपए दिए। सोचिए, 8 से 10 साल के लिए 50 लाख रुपए फंस जाएं तो कैसा लगेगा।
लेकिन इनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बस राहत की बात ये है कि कम से कम अब जाकर भगवान ने उनकी सुन ली। लो राइज फ्लैट्स का काम जल्द ही पूरा होने वाला है और अगले महीने हो सकता है पोजीशन मिलना भी शुरू हो जाए। 8 से 10 सालों में आमतौर पर एक बच्चा बड़ा हो जाता है और ठीक इतना ही वक्त लग गया हमें अपने घर के लिए इंतजार में। हम ये करीब 2013-14 से घर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद छोड़ चुके थे, ऐसा कहिए कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमें अपना घर कभी मिलेगा। बीच में तो मैंने सोचा कि शायद हमें अब कोई दूसरा फ्लैट ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2018 के आसपास ऐसा लगने लगा सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से कि हमें अपना घर मिल जाएगा, और हुआ भी यही। अब NBCC जो है बिल्कुल कंप्लीशन के मूड में है, कंप्लीशन होने ही वाला है, और इस दिवाली में हमें लगता है 150 से 200 लोगों को पोजीशन लेटर मिल भी जाएगा। तो अब जो है जो एक होप था वो एक पूरा होने वाला है और अब सब हम खुश हैं, हमारे जैसे कई बायर्स भी खुश हैं। उन बायर्स की सोचिए कि जो EMI भी देते थे, साथ ही रेंट भी पे करते थे और किसी तरह अपना घर का खर्च चलाते थे, लेकिन खैर अब जो भी है अब तो घर मिलने वाला है, तो सबकी अब जो है खुशी जो है वो रोके रुक नहीं रही है और वी ऑल होप फॉर गुड। नोएडा एक्सटेंशन में तो फिर भी घर बाकी एरियाज की तुलना में सस्ते हैं। इसकी एक वजह ये है कि वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पर फ्लैट्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरी वजह ये है कि अभी नोएडा एक्सटेंशन पूरी तरह डेवलप नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग वहाँ जाने से बच रहे हैं, इसलिए वहाँ पर फ्लैट्स के रेट्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो एरिया दिखाने जा रही हूँ वो बहुत डेवलप्ड है और वहाँ पर फ्लैट्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जिन लोगों के पैसे फंस गए हैं उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ये नोएडा के सेक्टर 128 में बसा विश टाउन है। नाम से ही जाहिर है कि यहाँ ऐसे शानदार मकान बनाए जा रहे थे जैसे लोग विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। वर्ल्ड क्लास घरों की चाहत में लोगों ने यहाँ अपने घर बुक कराए। इस विश टाउन की लोकेशन भी बेहतरीन थी और एमिनिटीज़ यानी सुविधाएं भी शानदार। इन्हीं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के वक्त इन घरों की कीमत भी ज़्यादा दी। 2010 में भी यहाँ मकान 50 लाख से ऊपर के मिलते थे, फिर भी लोगों ने बुक कराए। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बसे इस विश टाउन में हर कोई अपना घर चाहता था। उन दिनों JP बिल्डर्स का नाम भी काफ़ी फेमस था। ग्रेटर नोएडा में Formula 1 ट्रैक भी JP कंपनी ने ही बनाया था, लेकिन कंपनी ने काम इतना फैला दिया कि फिर वो किसी काम की नहीं रही। ना Formula 1 ट्रैक चला और ना ही हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हुए। जो विश टाउन था वो घोस्ट टाउन बन गया। विश टाउन में लोगों के अपने घर होने की उम्मीद टूटने लगी। 35,000 घरों के इस शहर में आधे मकान यानी करीब 20,000 मकान अभी बने भी नहीं हैं। घर की डिलीवरी कब होगी किसी को पता नहीं। कई लोग कहते हैं कि फ्लैट की डिलीवरी मिलने में देरी हो गई तो क्या हुआ, इस दौरान प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी तो होता है, फ्लैट्स के रेट भी तो बढ़ते हैं। ऐसे में देखा जाए तो फ्लैट मिलने में हुई देरी में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी हो जाती है, लेकिन ये बयान बिल्कुल गलत है। फ्लैट्स के रेट्स उतने नहीं बढ़ते जितना नुकसान हो चुका होता है। इसे आप इस तरह समझिए, अगर आप घर लेने के लिए 20 साल के हिसाब से 50 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो उसमें सालाना करीब 5 लाख रुपए EMI देते हैं। 5 लाख रुपए सालाना का मतलब 10 साल में 50 लाख रुपए EMI में जा चुके हैं, यानी 50 लाख घर के 50 लाख EMI के, कुल मिलाकर हो गए 1 करोड़ रुपए। लेकिन ना तो आपको घर मिला ना ही बैंक की EMI पूरी हुई। इस दौरान जो किराया देते हैं वो अलग, और अगर 10 साल बाद आपको घर मिल भी जाता है तो उसकी कीमत 1 करोड़ नहीं होती, जबकि आप 1.25 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। कई लोग इसी चक्कर में अपनी जीवन भर की पूंजी लुटा देते हैं। मैंने आपको नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का हाल दिखाया, ये बताया कि फ्लैट मिलने में हो रही देरी से किस तरह लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग रेडी टू मूव इन फ्लैट खरीदें और या तो किसी ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में ही पैसे इन्वेस्ट करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसे में आप लोगों को फ्लैट तो महंगा मिलेगा लेकिन कम से कम पैसे फंसने का नुकसान तो नहीं होगा।
आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।